हाँ भाई, सभी को नमस्कार। अपन बात कर रहे थे एल्केन के नामकरण की। अब उसी में अगला टॉपिक आता है एल्कीन का नामकरण। एल्कीन का नामकरण, और एल्कीन का नामकरण जो है वो पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे एल्कीन होते क्या है। देखिए, कह रहा है यदि कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, द्विबंध। यदि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, द्विबंध पाए जाते हैं, दो बंध पाए जाते हैं, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। और एल्कीन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसके अलावा इनका जो अनुलग्न है, एल्कीन का अनुलग्न जो है वो क्या होता है, बताया था आपको एल्कीन का अनुलग्न क्या होता है, ईन। ठीक। इसके अलावा इनका जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र, एल्केन का जो सामान्य सूत्र था उसमें इसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्या, CnH2n। बस उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे H2n के आगे प्लस दो था, लेकिन यहाँ पे केवल CnH2n। ठीक। यहाँ पे n क्या है, n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक। अब वही बात कि नामकरण के कुछ नियम हैं या कुछ ध्यान रखने की बातें हैं। नियम क्या है भाई, पहली बात या पहला नियम, सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, और कार्बन श्रृंखला का जब चयन करते हैं तो उसमें ध्यान रखने की बात एक है, क्या, कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए, यानी द्विबंध युक्त कार्बन श्रृंखला का चयन। ठीक है। यानी जिस कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा उसमें द्विबंध, चाहे वो एक हो दो हो, सभी उसके अंदर आने चाहिए। दूसरी बात, कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद जो अंकन की प्रक्रिया है वो किधर से करें, नंबरिंग किधर से करें, तो कह रहा है कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद नंबरिंग करते समय ध्यान ये रखें कि द्विबंध युक्त कार्बन को कम से कम अंक मिले। क्या, जहां द्विबंध जुड़ा हुआ है, द्विबंध लगा हुआ है, उस कार्बन को कम से कम अंक मिलने चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। तीसरी बात कि भाई जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं उन प्रतिस्थापियों का नाम कैसे लिखें, कौन कौन से प्रतिस्थापी हो सकते हैं, वो सारी बातें वो ही रहेंगी जो एल्केन में थी। ठीक। जो एल्केन में थी वो ही रहेंगी। एक बात ध्यान रखने की यहां पे क्या है कि एन बराबर एक यहां पे कोई यौगिक नहीं बनता है, कोई यौगिक नहीं बनता। यदि n बराबर एक हो तो कोई यौगिक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई, हमने कहा कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, द्विबंध। लेकिन n बराबर एक हो, और n क्या है आप, कार्बन परमाणुओं की संख्या, यदि कार्बन ही एक होगा तो द्विबंध किसके बीच लगेगा, ये ध्यान रखना, समझ गए ना, कार्बन दो होंगे तो ही द्विबंध लगेगा, तो कार्बन दो है ही नहीं तो यौगिक नहीं बनेगा, यानी एन बराबर एक का यहां पर कोई यौगिक नहीं बनता है। उसके बाद अगला जो यौगिक है कौन सा, एन बराबर दो। तो देखिए एन बराबर दो हो तो सूत्र क्या है, सी एन एच टू एन, सूत्र में बताते हैं सी एन की जगह दो, एच टू एन की जगह दो। ठीक। सोल्व करते हैं, सी टू एच दो चार, यौगिक बन गया, पहला यौगिक है सी टू एच फोर। नाम क्या लिखें, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एच प्लस, द्विबंध युक्त है इसलिए अनुलग्न क्या है, आप बताया शुरू में आपको क्या है, इन। तो एच प्लस इन क्या बन गया, एथीन। क्या नाम हो गया, एथ प्लस इन एथीन।
संरचना शुद्ध लिखें तो कार्बन दो, हाइड्रोजन कितने हैं चार, एक दो एक दो। कार्बन की संयोजकता पूरी करो, अपने आप पता लग गया कितने बंद आएंगे कैसे। देखिए कार्बन की संयोजकता होती है चार, एक दो और दो चार, इसकी गिनते हैं एक दो और दो चार, कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंद जीरो। ठीक, इसी प्रकार यदि एन बराबर क्या हो तीन, तो यौगिक क्या बनेगा, ये सूत्र है आपके पास सी थ्री एच दो गुणा तीन, सी थ्री एच तीन दूनी छ, क्या बन गया सी थ्री एच सिक्स, नाम क्या हो जाएगा प्रोब प्लस ईन, क्या है प्रोब प्लस ईन, क्या बन गया प्रोपीन, प्रोब प्लस ईन क्या बन गया प्रोपीन। संरचना सूत्र लिखते हैं, कार्बन तीन है, तीन लिख ली, उसके बाद छह हाइड्रोजन है, तो छह हाइड्रोजन किस किस के ऊपर लगाएं ये ध्यान रखने की बात, यहां पे आपको क्या करना है एक दो तीन चार पांच ये छह। देखिए इस कार्बन की बात करते हैं, एक दो तीन और चार, इसके पूरे इस कार्बन पे आते हैं एक दो तीन और ये चार, इस कार्बन में देखते हैं एक दो तीन और ये चार, संयोजकता पूरी, ये हो गया इसका संरचना सूत्र। इसी क्रम में यदि एन बराबर क्या हो यदि एन बराबर चार हो तो भी इसी प्रकार से यौगिक बन सकता है। देखिए बनाते हैं आपके सामने, यदि क्या हो n बराबर चार, n बराबर चार हो तो सी एन एच टू एन यौगिक है, वो सूत्र है, इसमें बढ़ते हैं C N की जगह चार या डायरेक्ट हाँ एच दो चार, सी फोर एच चार गुणी आठ, यौगिक क्या बन गया सी फोर एच एक, नाम क्या लिखेंगे चार कार्बन है तो ब्यूट प्लस अम्लोन क्या हो जाएगा ईन, क्या बनेगा ब्यूटी, क्या बनेगा ब्यूटीन। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि जो संरचना सूत्र बनाएंगे वो दो प्रकार का हो सकता है, क्योंकि कार्बन चार है तो द्विबंध पता नहीं कहां लगेगा, देखो एक दो तीन चार और एक ये एक दो तीन चार, अगर आपको कार्बन यहां लगाना है द्विबंध, हाइड्रोजन आठ रहेंगे चाहे आप द्विबंध कहीं पर लगाएं, या तो ये यहां पे हो सकता है या फिर ये यहां पे हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है लेकिन यहां में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अगर ये यहां पे है तो नंबरिंग इधर से करेंगे एक दो तीन चार, और यदि यहां पे है तो इधर से नंबरिंग करेंगे, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां पे भी एक नंबर पे आएगा और यहां पे भी एक नंबर पे आएगा। सी एच एट है तो सी एच थ्री, सी एच टू और सी एच और सी एच टू, गिनो तीन दो पांच एक छ और दो आठ। ठीक, इसमें देखते हैं सी एच थ्री, सी एच थ्री और यहां सी एच और ये सी वही चार कार्बन और आठ हाइड्रोजन, वही चार कार्बन और आठ हाइड्रोजन, लेकिन अंतर कितना, क्या अंतर दोनों में, यहां पे द्विबंध यहां पे है इसमें द्विबंध यहां पे, यौगिक एक ही है। अब नाम क्या लिखें, नाम लिखते समय आपको द्विबंध की स्थिति बतानी पड़ेगी, और यदि हम यहां इसका नाम लिखना चाहें तो हम नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग उधर से करें जिधर से द्विबंध से कम नंबर मिले, तो नंबरिंग एक दो तीन चार,
तो क्या नाम हो जाएगा, वन ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा भाई, एक नंबर कार्बन पे द्विबंध है तो वन ब्यूटीन। और इसकी यदि बात करें तो कह रहा है कि इसमें बीच में है, बीच का मतलब इधर से नंबरिंग कर दे चाहे आप इधर से कर दे, जैसे एक दो तीन चार, तो क्या हो जाएगा टू ब्यूटीन। ठीक, अब ये हो गया चार नंबर एन बराबर चार का। अब इसी क्रम में हम एन बराबर पांच का योगक भी बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ और उदाहरण है जो हम देख सकते हैं, जो अभी आपके सामने हम देखें। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 CH3, ये यौगिक है आपके सामने। इस यौगिक का आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो अपन क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला का चयन। भाई कितने कार्बन आ गए इसमें, पांच कार्बन आ गए, लेकिन ये चयन आपका क्या है, गलत। क्यों गलत है सब? अरे आपने जिस श्रृंखला का चयन किया है उसमें द्विबंध है क्या, इसका मतलब वो एल्किन तो है ही नहीं। उस श्रृंखला का चयन करें जिसमें क्या हो, द्विबंध उपस्थित हो। इसलिए अपने को द्विबंध को अंदर लेना होगा, और उसके लिए अपन चयन कैसे करेंगे, उसके लिए अपन करेंगे चयन इस प्रकार। अब देखो एक दो तीन चार, चार कार्बन है। नंबरिंग के दर्शक है जिधर से द्विबंध को नंबर कम से कम मिले, एक दो तीन चार। भाई इधर से नंबरिंग करोगे तो एक नंबर कार्बन पे द्विबंध है, और इधर से करके लाओगे तो एक दो तीन नंबर कार्बन पे द्विबंध आएगा। तो इधर से करते हैं तो क्या लिखें, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी कौन है यहाँ पे, CH3 CH2 यानी एथिल है। तो क्या लिखेंगे, टू एथिल वन, टू एथिल वन एक नंबर पे क्या है, ब्यूटी। टू एथिल वन ब्यूटी, ठीक, इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर सकते हैं, टू एथिल वन ब्यूटी। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप, CH2 CH CH2, दो तीन चार, और यहां पे सी। देखो इसका नाम लिखना है आपको, CH2 के साथ CL जुड़ा हुआ है, फिर CH है, फिर द्विबंध है, फिर CH। इसका नाम सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें द्विबंध उपस्थित हो, तो ये सबसे लंबी श्रृंखला आ गई। ठीक, उसके बाद उसका अंकन करते हैं, और अंकन किधर से करेंगे, अंकन उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध को कम से कम नंबर मिले। यदि आप इसको एक नंबर दोगे, इसको दो तो इसको तीन, तो द्विबंध कितने पे जाएगा, दो नंबर पे। और यदि आप इधर से करेंगे तो एक नंबर दो नंबर तीन, तो द्विबंध कितने पे जाएगा, एक नंबर पे। इसलिए हम इधर से चयन करते हो नंबरिंग करते हैं, एक दो तीन। नाम क्या हो जाएगा, नाम जब लिखोगे तो पहले आपको किसका नाम लिखना पड़ेगा, प्रतिस्थापी का। तो नाम हो जाएगा थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो वन, कितने कार्बन है, तीन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, थ्री क्लोरो वन प्रोपीन। ठीक, इस प्रकार से हम इसका नंबरिंग नामकरण कर सकते हैं। ये हो गया आपकी एल्कीन का नामकरण। अब इसी प्रकार अगला आता है कौन सा, एल्काइन। और एल्काइन का जो नामकरण है वो अपन अगले वीडियो में यानी कल पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद, याद तक जो दिया आपको उसको समझें तो है। ठीक।